मैंने एक बहुत मस्त सी वीडियो बनाई है शॉर्ट्स के लिए, आप जाके देख लीजिए, बहुत अच्छी बनी है। मैंने सुबह उठ के आज बनाए थे अपने लंच के लिए पराठे जो बहुत टेस्टी बने थे, और देखिए मैं पसीनामंदी हो गई हूँ इन पराठों को बना के। अब निकल गई हूँ ऑफिस के लिए और पराठे बाकी बहुत अच्छे बने थे। उसके बाद आते हुए मैंने जब खाई ये चाउमीन, मेरे को बहुत टेस्टी लगी, बहुत मज़ा आया, तो मैंने उस चक्कर में ले ली मोमोज, और मोमोज बिल्कुल भी अच्छे नहीं। तो ऐसा कभी मत करना कि एक शॉप पर अगर एक चीज़ अच्छी लगे तो ज़रूरी है कि उसकी दूसरी चीज़ भी अच्छी हो, तो ऐसा नहीं होता। उसके बाद मैं घर आई तो इतनी मस्त हवा चल रही थी ऊपर, तो मुझसे रुका नहीं गया, मैं ऊपर आ गई अपना कैमरा उठा के और मैंने करना स्टार्ट कर दिया, और मुझे बहुत मजा आ रहा था क्योंकि 2 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी अच्छी हवा चल रही थी, वो भी दिल्ली में। और मैं आजकल ना अपनी स्क्रिप्ट लिखना चालू किया क्योंकि मैं ना भूल जाती थी, नीचे से इतने सोच के आते थे ये वीडियो बनाने शॉर्ट के लिए, ऊपर आता था भूल जाती, तो मैं आज लिख के लिए आई। उसके बाद मैं ऊपर आने के बाद मैं खेलने लगी हूँ क्योंकि मेरा मुझे आज बहुत ही मज़ा आ रहा था, मैं खुश थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कैची खेला होगा आप सबने, बताना मेरे को कमेंट करके कैची वाला गेम हम सबने खेला है ना बचपन में। उसके बाद जब मैं गेम वेम खेली तो मेरे को जस्ट बिकॉज मैं आपकी जैसी हूँ तो मेरे लिए सब कुछ गलत है। उसके बाद फिर मेरे को लगा कि थोड़ी मस्ती कर ली जाए, तो ब्लॉग मैं शूट नहीं किया मैंने फुल्ली। और मेरे को ना एक पिक्चर याद आई मेरी मम्मी की, बहुत पुरानी पिक्चर थी जिसमें मम्मी ऐसे बैठी थी, उनको ऐसे पोज, और उसके पीछे एक बड़ी स्टोरी है बहुत ही अमेजिंग। तो मैंने सोचा कि मैं भी ऐसे एक पिक्चर क्लिक करती हूँ, बट पिक्चर तो क्लिक नहीं हुई, साथ में मैं गिर जरूर गई, और मुझे हंसी इसलिए आ रही थी क्योंकि मैं गिरी तो गिरी बट सामने वालों में पड़ोसियों ने मुझे देख भी लिया, वो लड़की खड़ी थी एक, दोनों ने भी देख लिया, मुझे गिरने से ज़्यादा उनके देखने का दुख हो रहा था। और जो मेरे बाल है ना वो इतने छोटे हो चुके हैं कि इस वीडियो के बाद तो मेरी मम्मी मुझे पक्का मारने वाली है, क्योंकि ऐसे बैठी है ना जब मेरी मम्मी उस पिक्चर में, उनके बाल मेरे पल्लू तक आ रहे हैं और मेरे बाल भी इतने ही थे, बट मैंने जब से यहाँ से रैली आई हूँ इतना डैमेज हो रखे हैं, बार बार कटा कटा के इनको आधे कर लिए। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको, किसने देखा था मुझे, देखा वो खड़ी है 2-3 लड़की और मुझे देख रही थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने ऐसे सस्ती प्रमोशन की अपनी, अपना चैनल सब्सक्राइब करा लिया उनसे भी, तो बल्ले बल्ले हो गई भाई, आज तो मज़ा आ गया बहुत ही। और मेरा इस हवा में उड़ने का मन कर रहा था, तो मैंने एरोप्लेन बनाया, मैं ऐसे उल्टे फुल्टे हरकतें करती रही। फिर मुझे क्लिप मिल गया कपड़ों में लगाने वाला, तो मैंने अपने नाक में ही लगा लिया और देखने लगी कि मैं कितनी देर में मरती हूँ, 5, 4, 3, 2, 1 नहीं मरी, चलो ठीक है। ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं इसको अपनी नाक नहीं तुम्हारा मुंह भी बंद कर सकती हूँ ठीक है। और उसके बाद जब मैं नीचे आई तो साथ में मुझे बोलने लगा मुझे बच्चों की तरह खिलाओ, मैंने कहा ठीक है। पहली बार ऐसा बच्चा है कोई जो मुझसे खुश होकर मुझे बोल रहा है कि मुझे खिलाओ, तो मैंने उसके साथ खेला, मैंने कहा छोटे बच्चों को ऐसे खिलाते हैं, ले मैं छोटा बच्चा। फिर कहने लगा मैं बड़ा हो चुका, मैं तुम्हें मार दूंगा बंदूक से, लो क्या बात हो गई। चलो ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, टाटा।